हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 हीट के कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कीवर्ड पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। टेम्परेचर नापने के लिए स्टूडेंट्स अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग स्केल होते हैं। तो जब भी आप टेम्परेचर स्केल को डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, यानी आप टेम्परेचर स्केल को डिग्री सेल्सियस में शो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेल्सियस स्केल। इसमें 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है कि ये पानी का फ्रीजिंग पॉइंट को शो करता है, कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी फ्रीज होना, जमना शुरू हो जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है। तो सेल्सियस स्केल टेम्परेचर को नापने का एक तरीका है। तो देखिए यहां पर यही लिखा गया है, अ टेम्परेचर स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। ऐसा टेम्परेचर स्केल जो कि डिग्री सेल्सियस में इंडिकेट किया जाता है या डिग्री सेल्सियस में शो किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्सियस स्केल। इन विच, जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसका मतलब कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसका मतलब होता है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमना शुरू हो जाता है। एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि इस टेम्परेचर पर पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम सेकेंड कीवर्ड पढ़ेंगे स्टूडेंट। सेकेंड कीवर्ड है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा कि कंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें अगर आप किसी चीज के एक एंड को हीट देते हैं तो वो हीट उसके दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। यानी किसी चीज में एक एंड को हीट देने पर अगर वो हीट दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो जाती है, तो इस हीट के ट्रांसफर के इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। अब देखिए, मान लीजिए आपने मेटल की बनी हुई कोई रोड ली, हम मान लेते हैं कि मेटल की बनी हुई कोई रोड है, और अगर आप इसको मान लीजिए कि ये आयरन की रोड है और आप इसको इस साइड से हीट देते हैं, तो ये जो हीट है ये कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा यहां से ट्रांसफर होनी शुरू होती है और दूसरे एंड तक आ जाती है, और ये पूरी की पूरी रोड गर्म हो जाती है। तो इस तरीके से हीट का जो ये ट्रांसफर होता है सॉलिड्स में, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। अब देखिए यहां पर यही लिखा गया है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर एक है एक एंड को हीट दी जाए तो वो कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा दूसरे एंड तक वो हीट ट्रांसफर हो जाती है। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड्स में जो हीट का ट्रांसफर होता है स्टूडेंट्स, वो कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा ही होता है। अब हम थर्ड कीवर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड कीवर्ड है कंडक्टर। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को आसानी से पास होने देते हैं, उन्हें हम कंडक्टर या कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। ये अपने अंदर से हीट को आसानी से पास होने देते हैं। और यहां पर एग्जांपल क्या है कंडक्टर के या कंडक्टर ऑफ हीट के, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये जो एग्जांपल यहां पर हमने आपको दिखाए हैं, ये सभी गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। ये अपने अंदर से हीट को इजीली पास होने देते हैं। अब हम फोर्थ कीवर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स। फोर्थ कीवर्ड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। हवा और पानी में हीट का जो ट्रांसफर होता है वो जिस मेथड के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा होता है, उस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। हम एयर का एग्जांपल लेकर आपको ये समझाते हैं। तो हवा में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब हवा को हीट मिलती है तो हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है और उसके नीचे खाली जगह बन जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो उस खाली जगह में आके उस जगह को भर देती है, फिर उसको हीट मिलती है, फिर वो ऊपर की तरफ उठती है और फिर नीचे खाली जगह बन जाती है, फिर वहां पर ठंडी हवा आकर उस जगह को भर देती है, फिर उसको हीट मिलती है, वो भी ऊपर उठ जाती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इस तरीके से जो हीट का ट्रांसफर होता है एयर में यानी हवा में, इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं, और यही सेम प्रोसेस वाटर में भी होता है। अब देखिए यहां पर यही लिखा गया है,
कन्वेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रेवल्स थ्रू एयर एंड वाटर। कन्वेक्शन वो प्रोसेस होता है जिससे हीट ट्रेवल करती है हवा में और पानी में। अब हम फिफ्थ कीवर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स। फिफ्थ कीवर्ड है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को इजिली पास नहीं होने देते, इन्हें हम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट को ही इंसुलेटर भी कहा जाता है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये सभी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इनको हम इंसुलेटर भी कह सकते हैं, जैसे कि लकड़ी और प्लास्टिक। देखिए यहाँ पर यही लिखा गया है, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को इजली पास नहीं होने देते, ऐसे मटेरियल्स को हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर नोन एज इंसुलेटर्स, और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट को ही हम इंसुलेटर भी कहते हैं। यानी आप पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बोल रहे हैं या इंसुलेटर बोल रहे हैं, बात एक ही है। तो इसके एग्जांपल यहाँ पर हमने आपको दो बताए हैं, प्लास्टिक एंड वुड। प्लास्टिक और वुड दोनों ही ऐसे मटेरियल हैं जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते। अब हम सिक्स्थ कीवर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स। सिक्स्थ कीवर्ड है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है स्टूडेंट्स? अब ये ध्यान से समझिएगा कि जो लैंड ब्रीज है, ये फिनोमिना जो समुन्दर के आसपास के इलाकों में लोग रहते हैं, ये उनको फील होता है। रात के समय जो लैंड होती है, जो जमीन होती है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन जो समुन्दर होता है, जो सी होता है, वो उतना जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। तो क्योंकि समुन्दर उस टाइम पर गर्म होता है, तो उसके ऊपर की जो हवा होती है, वो हीट मिलने की वजह से हल्की होकर ऊपर की तरफ उठ जाती है और उसके नीचे खाली जगह बन जाती है। तो जो लैंड के ऊपर की ठंडी हवा होती है, ये समुन्दर की तरफ जाती है उस खाली जगह को भरने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स? तो रात के समय जो ये ठंडी हवाएं चलती हैं लैंड से सी की तरफ, यानी जमीन से समुन्दर की तरफ, इन्हें ही हम लैंड ब्रीज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर यही लिखा गया है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, रात के समय, द लैंड सरफेस इज कूल एज इट लूजेज इट्स हीट क्विकली। रात के समय जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है, बट द सी सरफेस इज स्टिल हॉटर एज वॉटर लूजेज हीट स्लोली। लेकिन जो समुन्दर होता है वो उतना जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। सो हॉट एयर फ्रॉम सी सरफेस राइजेज अप, तो समुन्दर के ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड सरफेस मूव्स टुवर्ड्स द सी, और जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर जो ठंडी हवा होती है वो समुन्दर की तरफ, सी की तरफ चलती है उस खाली जगह को भरने के लिए। दिस मूवमेंट ऑफ कूल एयर फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो स्टूडेंट्स, रात के समय लैंड यानी जमीन से जो ठंडी हवाएं चलती है समुन्दर की तरफ, इन हवाओं को हम क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज कहते हैं। अब हम सेवेंथ कीवर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स। सेवेंथ कीवर्ड है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि हीट को ट्रेवल करने के लिए जब किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, यानी जब बिना किसी मीडियम के हीट ट्रेवल करती है, तो इस प्रोसेस को हम रेडिएशन कहते हैं। हीट को ट्रेवल होने के लिए स्टूडेंट्स तीन मेथड होते हैं। एक होता है कंडक्शन मेथड, जो कि सॉलिड में होता है, तो उसमें भी एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, और हवा और पानी में हीट को ट्रेवल करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है कन्वेक्शन प्रोसेस, उसमें भी मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम एग्जांपल लें कि जो सनलाइट अर्थ तक आती है, ये कैसे आती है? सन और अर्थ के बीच में तो स्पेस होता है, यानी अंतरिक्ष होता है, वहां तो हवा भी नहीं होती, यानी कोई मीडियम नहीं होता जिसके थ्रू वो सनलाइट अर्थ तक आए। लेकिन सनलाइट को अर्थ तक आने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम कह सकते हैं कि जो सनलाइट है वो रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा चलती है, ट्रेवल करती है बिना किसी मीडियम के मदद के। अब यहां पर आपने ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जो रेडिएशन प्रोसेस है, इसमें मीडियम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, जो हीट है वो ट्रेवल करती है। जैसे कि आप सर्दियों के दिनों में अपने घरों में हीटर यूज करते हैं, तो हीटर की जो हीट आप तक पहुंचती है वो भी रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा ही पहुंचती है। तो देखिए यहां पर यही लिखा है, द एनर्जी दैट डज नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल इज कॉल्ड रेडिएशन।
यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, मीडियम हो तो भी ठीक है, मीडियम ना हो तब भी वो हीट ट्रेवल कर सकती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टूडेंट्स रेडिएशन। अब हम एट्थ कीवर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स। एट्थ कीवर्ड है सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या होती है, अब हम ये आपको समझाते हैं कि सी ब्रीज एक ऐसा फिनोमिना है स्टूडेंट्स जो कि समुन्दर के आसपास के इलाकों में जो लोग रहते हैं वो इसको फील करते हैं कि दिन के समय जो लैंड होती है, जो जमीन होती है, वो जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि समुन्दर उतनी जल्दी गर्म नहीं होता। अब क्योंकि जमीन जल्दी गर्म हो जाती है तो जमीन के ऊपर जो हवा होती है वो गर्म होकर, हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है और उसके नीचे खाली जगह बन जाती है, और जो समुन्दर की ठंडी हवाएं होती हैं ये लैंड की तरफ चलती है, जमीन की तरफ चलती है उस खाली जगह को भरने के लिए। तो दिन के समय समुंदर की तरफ से जो ठंडी हवाएं जमीन की तरफ, लैंड की तरफ चलती हैं, इन्हें ही हम सी ब्रीज कहते हैं। अब देखिए यहां पर यही लिखा गया है, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर, जमीन जल्दी गर्म हो जाती है, देन द वॉटर, वॉटर यानी समुन्दर के पानी के मुकाबले, द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप, और जमीन के ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म होकर, हल्की होकर ऊपर की तरफ उठ जाती है, द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टुवार्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, और समुन्दर की तरफ से ठंडी हवाएं जमीन की तरफ चलती है उस खाली जगह को भरने के लिए। दिस मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम द सी टुवार्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो दिन के समय समुन्दर से जमीन की तरफ जो ये ठंडी हवाएं चलती है स्टूडेंट्स, इन्हें ही हम सी ब्रीज कहते हैं। अब हम नाइन्थ कीवर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स। नाइन्थ कीवर्ड है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब आप किसी चीज की हॉटनेस या कूलनेस को डिग्री में नापते हैं, यानी किसी चीज की गर्मी को या उस चीज की ठंडक को जब आप डिग्री में नापते हैं तो इसे हम टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप गर्मियों के दिनों में सुनते होंगे कि टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस, तो ये गर्मी को किसमें नापा जाता है, डिग्री में नापा जाता है और इसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। या विंटर के दिनों में, सर्दियों के दिनों में आप सुनते होंगे कि टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस, तो ये ठंडक को हम किसमें नाप रहे हैं, डिग्री में नाप रहे हैं, तो इसे भी हम टेम्परेचर कहते हैं। अब हम टेंथ कीवर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स। टेंथ कीवर्ड है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है, अ थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। यानी कि थर्मोमीटर एक डिवाइस है, एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हम किसी चीज के टेम्परेचर को नापने के लिए करते हैं। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, दो तरह के थर्मोमीटर के बारे में हम आपको बताएंगे। पहला है क्लिनिकल थर्मोमीटर और उसके बाद हम आपको बताएंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए किया जाता है। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि जब आपको फीवर होता है तो आप जो थर्मामीटर यूज करते हैं टेम्परेचर नापने के लिए, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। इसके बाद हम देखेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। ह्यूमन बॉडी के अलावा दूसरी चीजों का टेम्परेचर नापने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।